alaikum everyone. Welcome to Vocabulary where you learn English with easy lessons. And uh, today we are going to learn 14 newspaper vocabulary words. Uh, before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And please, 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 please share my videos, share my lessons with your friends, with your families who are interested in learning English. Thank you very much. Thank you in advance. So I have picked an article from The Guardian uh, where they published the news about uh, the pro ongoing protest in iran so we will learn 40 newspaper vocabulary words from that article i provide the link of article in description in case you want to read that article so let's get started our first uh, newspaper vocabulary word is crackdown crackdown is a noun and it means a strong official action is taken to punish people who break laws ticket okay? government johanna jabkui log group banakar गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो या किसी भी किस्म की कोई डिमांड ऐसी रख रही हूँ जिसको कि गवर्नमेंट समझती है कि ये इलीगल है या हम नहीं मान सकते या, या दे आर ब्रेकिंग द लॉ तो वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेती है गवर्नमेंट अब वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस क्या होते हैं वो लोगों को अरेस्ट करने लग जाते हैं उन पर शेलिंग करने लगते हैं उन पर चार्ज होने लगता है इस तरह की जो गवर्नमेंट एक्शन्स लेती है ना उसको क्रैक डाउन कहते हैं ठीक है और मकसद इसके पीछे यही होता है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करने निकले हैं बस उनको

ने ईरान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जो भी प्रोटेस्टर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आ, उनके खिलाफ तो उसमें तकरीबन जो है ना उस उसपे जब क्रैक डाउन स्टार्ट किया मतलब कि क्रैक डाउन में क्या किया यही किया कि 12,500 लोगों को अरेस्ट कर लिया ठीक है क्रैकडाउन में जो गवर्नमेंट जो भी फोर्सफुल एक्शन लेती है उसमें यही काम करती है लोगों को अरेस्ट करती है लोगों पे शेलिंग करती है लोगों पर मलाठी चार्ज करती है आंसू गैस फेंकती है ताकि लोग जो ना पीछे पीछे हट जाए अच्छा जी नेक्स्ट हमारा न्यूज पेपर वो वर्ड है वो है प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट जो है वो एडजेक्टिव है एंड इट मींस इम्पॉर्टेंट फेमस आप प्रोमिनेंट किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जो चीज नुमाया होती है जो uh, इम्पॉर्टेंट होती है मतलब जैसे काफ़ी सारे डल कलर्स हैं उसमें एक रेड कलर हो तो रेड कलर उसमें नुमाया होगा तो क्या है उन रे उन डल कलर्स में वो जो रेड कलर है वो प्रोमिनंट हो रहा है ठीक है प्रोमिनंट मतलब कि वो वाजिया नज़र आ रहा है फोकस उसकी तरफ जा रहा है ठीक है तो जो भी प्रोमिनंट का मतलब होता है जो कि जैसे एक क्लास है स्टूडेंट्स की क्लास है उसमें जो एक इंटेलिजेंट और जो शार्प किस्म का स्टूडेंट होगा वो नुमाया होगा वो टीचर की टीचर का फोकस अपनी तरफ जल्दी खींचेगा ठीक है तो वो प्रोमिनंट स्टूडेंट होगा ठीक है तो किसी भी ग्रुप ऑफ चीजों के अंदर जो है वो कोई चीज प्रोमिनेंट वो होती है जो जो होती है जो आपको वाजिया नजर आ रही होती है जिसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा होता है ठीक है तो इसका सेंटेंस ये है कि ऑलमोस्ट सेंटेंसाइव हंड्रेड द स्ट्रीट प्रोटेस्ट बिगे इन ईरान अकॉर्डिंग टू अ प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप ठीक है ह्यूमन राइट्स के, के बहुत सारे ग्रुप हैं उनमें से जो एक प्रोमिनेंट ग्रुप है कोई जिसका उन्होंने नाम यहां पर मैंशन नहीं किया है उस ग्रुप के मुताबिक जो भी ईरान के अंदर इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें 12,500 लोग तो अरेस्ट हुए हैं और 250 जो है ना 250 लोग जो है वो आ, मारे जा चुके हैं किल हो चुके हैं ठीक है ठीके? अच्छा जी नेक्स्ट हमारा न्यूज पेपर वर्ड है वो है अंक्षियस. अंक्षियस भी एंक्स इट बीटिव फीलिंग एंड नर्वस देखिए एंक्शियस को आप इसी तरह से समझ लें परेशान ठीक है या परेशान नहीं सॉरी इसके लिए सबसे बेहतरीन वर्ड है बेचैन जब आप बेचैन होते हैं ना तो आप परेशान भी होते हैं और आप नर्वस भी होते हैं ये दो फीलिंग्स जो है ना वो जब जब, जब कंबाइन होती है ज्वाइन होती है किसी इंसान के अंदर तो बेचैन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी घर आ, शाम को लेट हो जाए और आपके घर वाले आपसे कॉन्टेक्ट हैं और आप आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनसे तो आपके घर वाले जो है या आपकी मदर या फादर या ब्रदर या सिस्टर जो भी घर में मौजूद हैं लोग वो क्या होंगे वो उस वक्त बेचैन होंगे कि अल्लाह खैर करे अभी तक ये घर पहुंचा नहीं से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है ठीक है तो वो उस वक्त एंक्शियस हो रहे होते हैं बेचैन हो रहे होते हैं क्योंकि एक तरफ तो उन्हें परेशानी भी हो रही होती है दूसरी तरफ वो नर्वस भी हो रहे होते हैं कि खुदा न खासा कुछ गलत ना हो गया हो अल्लाह करे कि वो खैरियत से घर पहुंच जाए ठीक है और परेशानी भी उनको हो रही होती है तो इस फीलिंग को कहते हैं एंक्शियस होना जब आप बेचैन हो रहे होते जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है ठीक ठीक है 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 अच्छा जी ये था कि 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 मैंने आपको बताया ना पीछे जो में आ रहा तकरीबन 12,500 लोग जो है, वो अरेस्ट किए गए हैं अब क्या हो रहा है कि उनकी anxious families, जो उनके जाहिर जिन लोगों को अरेस्ट किया उनकी families है पीछे, अब वो हो रहे है, प्यारे हैं उनके साथ जो लोग गेस्ट हो गए गे, उनके साथ किसी तरह से कांटेक्ट हो सके कि वो खैरियत से हैं वो कहाँ है किस हाल में है ठीक है तो देयर फैमिलीज आर एंक्शियस ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा डेली वोकैबुलरी वर्ड है वो है प्रिज्यूम्ड प्रिज्यूम्ड का मतलब होता है वो डेली वोकैबुलरी नहीं न्यूज़पेपर पेपर वोकैबुलरी वर्ड है सॉरी प्रिज्यूम्ड 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 इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू सपोज समथिंग इज द केस प्रिज्यूम का मतलब होता है खुद से सोच लेना जब हम किसी चीज़ में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ना तो हम प्रिज्यूम कर रहे होते हैं जै, जैसे हम अज्यूम करते हैं ना अज्यूम और प्रिज्यूम आ, का सेम ही मतलब है मुझे तो सेम ही लगता है ठीक है प्रिज्यूम का मतलब है कि आपको किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है लेकिन आप उस चीज़ के होने से पहले आप उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये ऐसे है शायद ऐसा हुआ होगा शायद ये सिचुएशन होगी शायद वो ये जो हम सोच रहे थे कि शायद ये वाली बात हो गई या शायद ऐसा कुछ हुआ होगा ठीक है तो इसका मतलब है कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ठीक है जैसे कि इसका सेंटेंस है हु हैव गॉन मिसिंग एंड प्रज्यूम टू बी इन जेल ठीक है कि जो लोग अब जो फैमिलीज उनकी एंक्शंस हो रही हैं और वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं वो प्रज्यूम कर रहे हैं कि जो भी लोग मिसिंग है मिसिंग मतलब कि जो अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से फ़ोन के थ्रू किसी भी थ्रू ठीक है तो इसका मतलब है कि उनकी फैमिली जो है वो प्रज्यूम कर रही हैं वो इस ये सोच रही हैं उनका यह अंदाज़ा है कि शायद वो जेल में है ठीक है प्रज्यूम टू बी इन जेल कि उनके बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वह शायद जेल में है उनको अरेस्ट किया जा चुका है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है snuff out. Snuff out जो है ये फ्रिजल वर्ब है

इसी तरह से इनके ऊपर हम फोर्स यूज़ करें और फोर्स यूज़ करके तो इस प्रोटेस्ट को इन एहतजाज को हम एक तरह से बिल्कुल एकदम से ना ख़त्म कर दें बस इसको पुट एंड एंड कर दें ठीक है कि इस, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस वक्त आउट करने की कोशिश कर रही होती है जैसे इसका सेंटेंस यहाँ पर है कि मेजर जनरल हुसैनी सलमी क्लोज टू स्नफिंग आउट द रिमेनिंग प्रोटेस्ट ठीक है जो उनके मेजर जनरल है वहाँ के ईरान के हुसैन uh, सलामी उनका नाम है उन्होंने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी वर् क्लोज टू क्लोज टू का मतलब यह है कि बहुत करीब है कि बहुत करीब है स्नफिंग आउट के खत्म कर देने के बहुत करीब है द रिमेनिंग प्रोटेस्ट के जितने भी बाकी एहत वगैरह रह गए हैं कुछ इलाकों में जो हो रहे हैं उसको स्नफ आउट करने में उसको खत्म करने के वो बहुत ही करीब हैं वेरी क्लोज टू ठीक है हमारा नेक्स्ट न्यूज पेपर पर गवर्नमेंट जो हमारी गर्व है जो डेमोक्रेटिक गवर्मेंट है मोनक होती है बादशाह को ठीक है सडेशन कहलाती है आप समझ लीजिए बगावत ठीक है बगावत पे उकसाना जैसे उकसाना जो होता न, है ना उसको सिडिशन कहते हैं कि कोई स्पीच किसी इंसान ने ऐसी की कोई ऐसा काम ऐसा किया कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो इंसाइट का मतलब होता है भड़का दे ऐसे जज्बात भड़का दे उनके अंदर के लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ या जो भी उनके ऊपर जो मौनक है जो भी बादशाहत है उसके खिलाफ जो लोग है ना वो बगावत करते हैं तो इसको जो है ना वो सडेशन कहते हैं बगावत कर देने को सडेशन कहते हैं बगावत पे उकसाने को सडेशन कहते हैं सॉरी ठीक है आ, बगावत को तो रबिल कहते हैं और बगावत पे जो उकसाना होता है उसको सडेशन कहते हैं जैसे कि इसका सेंटर्स था ही सेट सडेशन इज गोइंग थ्रू इट्स लास्ट मोमेंट्स ठीक है कि वो जो मेजर जनरल हैं उनका ये कहना है कि जो भी इस वक्त बगावत हो रही है या जो बगावत पे लोग उकसा रहे हैं लोगों को बाकी सारी आवाम को ये इज गोइंग थ्रू इट्स लास्ट मोमेंट के बस ये अपनी आखिरी लम्हात में है मतलब कि कुछ अरसे में ये खत्म होने वाली है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है डिफाइंस डिफाइंस इज ऑल्सो और इट मीनस ओपन रेजिस्टेंस बोल्ड डिसोबीडियंस ठीक है खिलाफ वर्जी जिसको हम कहते हैं उसको डिफाइंस कहते हैं ओपन रेजिस्टेंस ओपन जब लोग बाहर निकल आते हैं किसी बात पे और वो ओपनली अनाउंस कर देते हैं कि हम इस बात को नहीं मानेंगे खिलाफ वर्जी के अनाउंसमेंट कर देते तो उसको उसको कहते हैं अब ये डिफाइंस हो रही है ठीक है कि लोग कह रहे हैं कि हम ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं नहीं है वो उस उस हुक्म की अब खिलाफ खुला, खिलाफ वर्जी ओपनली खिलाफ वर्जी करने के लिए आ गए वो डिसोबीडियंट हो गए ठीक है और ये जो है ना ओपन डिसोबीडियंस जो होती है ना उसको आप डिफाइंस कहेंगे जैसे कि इसका सेंटेंस था बट प्रोटेस्टर्स हैव इंसिस्टेड दैट डिफाइंस वाज कंटिन्यूइंग ठीक है लेकिन जैसे उनके मेजर जनरल ने कहा कि बस ये तो अब ख़त्म होने वाला है हम हम पर बहुत ही करीब हैं इस सारे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने में और बस ये बस अपने लास्ट मोमेंट्स पे है लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं जो एहतजाज कर रहे हैं वो वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं मतलब कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि डिफेंस वॉज़ कंटिन्यूइंग ये जो हमारी डिसोबीडियंस है ये जो हमारी खिलाफ वर्जी है ये जो हमारा जाज है यह जारी रहेगा हम ये खत्म नहीं करने वाले हैं यह खत्म नहीं होगा ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो न्यूज पेपर वो है वह रिप्रेशन रिप्रेशन इज ऑल्सो एंड इट मीन दूस ऑफ फोर्स टू कंट्रोल पीपल रिप्रेशन का मतलब होता है जबरदस्ती करना जबर करना ठीक है कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके ये जो जबरदस्ती और ये जो जबर होता है ना जिसमें लोगों को मारा पीटा जाता है अरेस्ट किया जाता है हर तरह का जो ना न वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रिप्रेशन कहते हैं ठीक है जैसे कि इसका सेंटेंस है रिप्रेशन ऑफ पीपल

एक किस्म का पिछले चालीस साल से एक डेली एक्ट्रेस बन गई एक रोज का मामूल बन गया है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डिस्टॉट डिस्टॉट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू चेंज द शेप ऑफ समथिंग किसी चीज को अगर आप तोड़ मड़ोड़ के उसकी uh, जो जाहरी शक्ल है उसको तब्दील कर दे तो आपने उसको डिस्टॉट कर दिया है जैसे कि uh, कोई फैक्ट्स होते हैं पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के उसको चेंज कर दे तो इसका मतलब है कि आपने उस उस फैक्ट्स को जो है वो डिस्टोर्ट कर दिया है ठीक है जैसे कि इसमें इन्होंने कहा है सेंटेंस में इन दिस स्टेज ऑफ रिप्रेशन ये जो इस वक्त रिप्रेशन चल रहा है इस वक्त जो जबर चल रहा है लोगों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है एज ऑलवेज हमेशा की तरह डिनाइज द रियलिटी कि जो सच्चाई है वो उससे उसे डिनाई कर रहे हैं उसे इनकार कर रहे हैं स्प्रेड रूमर्स वो अफ्र... वाह फैला रहे हैं एंड एंडोर्ट पब्लिक ओपिनियन और जो लोगों का ओपिनियन है जो लोगों की इस वक्त जो ख्वाहिश है जो इच्छा है उसको वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। उसको वो तबाह कर रहे हैं उसकी शक्ल को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उसको उसको बिगाड़ रहे हैं ठीक है थीके? इस ये सेम केस हमारे मुल्क में भी हो रहा है कि जो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन है जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसको डिस्टॉर्ट कर रही है तो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए इस वक्त लोग डिमांड कर रहे हैं लोग सड़कों पर निकल रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसको डिनाई कर रही है रूमर्स फैला रही है और वो डिस्टॉर्ट कर रही है पब्लिक ओपिनियन को बिगाड़ रही है ठीक है तो सेम मेरे ख्याल में सिचुएशन चल रही है अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है थॉट थॉट का मतलब थॉट इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन और समवन टू डू समथिंग आप किसी चीज़ को अगर थॉट कर रहे हैं इट मीन्स कि आप किसी चीज को होने से रोक रहे हैं या किसी इंसान को कोई काम करने से रोक रहे हैं वो जो रोकना होता है ना किसी चीज को होने से रोकना और किसी कोई किसी इंसान को किसी काम के करने से रोकना दैट्स थॉट ठीक है अब इसका जैसे सेंटेंस है इन ऑर्डर टू थॉट द एफर्ट्स ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन and groups to express the truth okay? in order to thwart the efforts of people gay is इस मकसद के लिए कि आप गम जो लोग जो और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि लोगों का इकट्ठा होना ऑर्गेनाइज हो जाना ठीक है लोगों इस इस कोशिश में कि जो लोगों की जो एक वो कोशिश है एक एफर्ट है कि हम इकट्ठे हो और हम जो भी सच है उसको एक्सप्रेस करें उसको जो है ना वो डिस्टॉर्ट कर उसको जो है ना रोकने की कोशिश की जा रही डिस्टॉर्ट नहीं उसको थॉट करने की कोशिश की जा रही मतलब कि उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ठीक है अब नेक्स्ट है फ्लाइट फ्लाइट इज अनप्रेजेंट कंडीशन फ्लाइट का मतलब होता है कोई ऐसी जिसको कहते ना कि कोई संगीन सूरत हाल

शिफ्ट होना चाहिए उनकी तरफ भी ध्यान दिया दिया जाना चाहिए ताकि वो जेलों से बाहर निकल सके वो लोग अच्छा जी नेक्स्ट है डिटेंशन डिटेंशन इज ए नाउन एंड इट मीनस द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन अंडर अरेस्ट हरासत जिसको हम बोलते हैं जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट सॉरी जब पुलिस जो है वो किसी इंसान को पकड़ती है पकड़ कर जब वो उसको जेल में डालती है ना तो वो डिटेंशन में चला जाता है इंसान मतलब कि वो हरासत में चला जाता है ठीक है तो उसको डिटेंशन कहेंगे सेंटेंस ये है कि मरियम मजरूई अ जर्नलिस्ट एंड अ वेल नोन न्यूज फोटोग्राफर हु हैज हुज्वाइस बीन अरेस्टेड ठीक है कि ये जो मरियम मजरूई को, कोई

अपीलिंग फॉर हर टू बी फ्री ठीक है कि जो भी मरियमी जिनकी बात हो रही है जो जर्नलिस्ट है वो जब मिसिंग गई क्योंकि जहरी बात है वो बारह दिन के लिए डिटेंशन में थी तो वो मिसिंग थी तो उनकी जो फैमिली थी और जो उनके फ्रेंड्स थे वो टेस्परेट थे मतलब वो परेशान हो रहे थे टू फाइंड आउट कि वो ये जानना चाह रहे थे कि हर वेयर अबाउट्स कि इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है एंड अपीलिंग फॉर हर टू बी फ्रीड और वो अपील कर रहे थे मतलब वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे या वो सिक्योरिटी फोर्सेज से अपील कर रहे थे कि उसको जो है वो फ्री कर दिया जाए छोड़ दिया जाए अच्छा जी नेक्स्ट है मिनिमल मिनिमल इज ऑल्सो नाउन एंड इट मीन्स ऑफ मिनिमम उंट और क्वान्टिटी थोड़ा सा मिनिमल का मतलब होता है थोड़ा सा आप देखिएगा रखते वो बहुत कम जस्ट जितनी आपको बहुत की की होती ना वो अपने इर्द गिर्द जस्ट उतनी चीजें ही रखते हैं वो कोई एक्स्ट्रा चीज अपने पास नहीं रखते तो वो मिनिमलिस्ट जो है ना जो वर्ड है वो इस मिनिमल से ही निकला है मिनिमल का मतलब यही होता है बहुत थोड़ा सा ठीक है कम क्वांटिटी में जो चीज होती है जैसे इसका सेंटेंस है मेनी ऑफ दोज अरेस्टेड आर गिवन इधर नो और मिनिमल कांटेक्ट विद देयर फैमिली कि वो लोग जिनको अरेस्ट किया गया है या तो उनको जो है ना बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं किया किया दिया जाने जा रहा है कि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया कर सके या, बहुत थोड़ा जो इजाजत अगर किसी को मिल रही है तो वो मिनिमल है कि वो मिनिमल कांटेक्ट करें जैसे कोई एक फ़ोन कॉल शायद करने की उनको इजाजत मिल जाए कि जस्ट वो इन्फॉर्म कर सके अपनी फैमिली को कि हम इस वक्त कहाँ पर है ठीक है या बहुत सो को तो बिल्कुल इधर नो बिल्कुल कोई उनको जो इजाजत नहीं मिल रही है कि वो अपनी फैमिली से किसी भी किस्म का को कोई कॉन्टेक्ट कर सके ठीक है ओके okay जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है आई होप के लेसन अच्छा था इंटरेस्टिंग लगा कुछ नहीं अपनी वोकैबुलरी सीखी है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की आपको कैसा लगा लेसन इसको शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट लेसन हाफिज़